जिन जिन एजेंडे पर सरकार शुरू के सौ दिन में काम कर रही थी उसमें महिलाओं से युवा से 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 युवा ऑफ डूइंग बिजनेस इसके साथ किसानों बहुत सारी योजनाएं रही जिनको आपकी तरफ से लागू किया गया तो मैं इन तमाम लोगों को चुनावों से जोड़ना चाहती हूँ और क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव होने हैं हरियाणा में जाहिर बात है कि किसानों का एक बड़ा वर्ग है और आपके सौ दिन के एजेंडे में किसानों के लिए भी बड़ा काम किया गया उसको सरकार किसानों के समक्ष कैसे रखना चाहती है देखिए एक बात को समझिए देश में तो चुनाव हमेशा होते रहते हैं अभी हरियाणा और कश्मीर में है और दो महीने बाद महाराष्ट्र और झारखंड में होगा केजरीवाल ने इस्तीफा दे फिर दिल्ली में हो सकता है अगले साल और चुनाव होगा बिहार में होगा बाकी प्रदेशों में होगा लेकिन अगर एक करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप के लिए व्यवस्था की गई है अगर सारी कंपनियों को तीन हजार रुपये का इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आप रखेंगे तो अगर मुद्रा योजना की मियाद को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख किया गया है अगर लखपति दीदी की योजना है अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए दिया गया है तो पूरे देश के लिए दिया गया है इस बात को समझिए आप ये सिर्फ हरियाणा या कश्मीर पर नहीं है तो मोदी जी देश के लिए सोचते हैं और एक बात मैं आपको और बताऊं कि मैं देश का आईटी मंत्री भी रहा हूं। जी। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत कहां से कहा पहुंच गया दो फैक्ट्री थी दो सौ सत्तर है हुँ. अब भारत की अगली छलांग कहां है सेमी कंडक्टर पर हुँ. सेमी कंडक्टर एक बहुत बड़ी उपकरण है क्या गाड़ी क्या टेक्नोलॉजी क्या टेलीविजन क्या मोबाइल सब चीजों में हुँ. तो आज भारत सेमी कंडक्टर बनाने जा रहा है उसकी फैक्ट्री सुन रही है हुँ. आप देख रही हैं विदेशी कंपनियां आ रही हैं आज भारत हाई एंड रिसर्च में आगे जा रहा है आज भारत में सेना के विमान बन रहे हैं आज भारत में बड़ौदा में आपके कमर्शियल प्लेन भी बन रहे हैं आप देख रही हैं विदेशी कोलेबोरेशन से बन रहे हैं तो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो किसानों की चिंता हो चाहे वो आयुष्मान भारत हो या हाई एंड टेक्नोलॉजी हो या एयरक्राफ्ट करीवर हो या फिर आपके आयुध हो सेना के लिए जो एम्यूनिशन बनने की बात है वो सब बन रहे हैं क्या राइफल हो क्या टैंक हो तो या तेजस विमान हो तो इसे कहते हैं समग्र दृष्टि में प्रयास ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहे हैं और इस बार एक बात जान लीजिए आप इस बार के बजट में इस बात की घोषणा की गई है कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्यारह लाख करोड़ रुपया खर्चे किए जाएंगे मतलब समझती हैं आप ग्यारह लाख करोड़ का मतलब है इतना अधिक विकास होगा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को नौकरी मिलेगी बाकी कुछ होगा तो हम लोग काम करते हैं और काम जमीन पर उतरता भी है है मोदी जी की खासियत बिल्कुल सर और इसीलिए शायद आपका ध्येय रहा है सबका 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 साथ साथ सब विकास और विश्वास और विश्वास उसी के साथ आप अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक ये विकास की धारा पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए डबल इंजन की सरकार भी आपकी आपकी सरकार बात करती है लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जिसको लेकर जिक्र हो रहा है सर वो मणिपुर है मणिपुर में शुरू के सौ दिन के एजेंडे में सरकार की तरफ से कौन से काम किए गए क्योंकि ये सिर्फ एक विपक्ष की तरफ से उठाया गया मुद्दा नहीं था बल्कि इसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह बहुत गंभीर नजर आए और मणिपुर में शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए आप लोगों ने लगातार कोशिशें भी की हैं आपने बहुत सही कहा मणिपुर में स्वयं अमित शाह जी एक हफ्ते रहे थे राज्य मंत्री नित्यानंद राय वहाँ बीस दिन रहे थे बार बार सहयोग होता है अब देखिए वो एक ऐतिहासिक प्रॉब्लम है दो समुदायों के बीच में बहुत विराग वैराग्य हो गया है बहुत दूरी हो गई है काफ़ी कुछ म्यांमार से लोग आते हैं आपके जो अतिवादी संगठन हैं तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा संवेदनशीलता से ताकि दो कम्युनिटीज़ के बीच में दुराव बहुत बढ़ा हुआ है और उसमें हिंसा भी हो रही है तो सरकार समझाने की कोशिश कर रही है सरकार उनको रचनात्मक रास्ता भी कभी इस बात को मत भूलिए कि जो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट है आफ, वो सबको तो समाप्त किया गया नॉर्थ ईस्ट से कितने बाकी संगठनों ने जो इस तरह के काम एक्सट्रीमिस्ट थे उन्हें सरेंडर किया है कि नहीं किया है क्या मेघालय हो क्या नागालैंड हो क्या आसाम हो क्या आपके तो ये है अब वहां कुछ और प्रयास करने की जरूरत है वो प्रयास चल रहा है हमें पूरा विश्वास है कि मणिपुर को भी हम शांत करेंगे मोदी जी की सोच अमित शाह जी की सोच रंग लाएगी